हाय, दिस इज़ अदिति पांडे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ IAS पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर एनालिसिस में क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। तो आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। राज्यों की निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तैयार किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि EPI 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला है। शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों में राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। समग्र तौर पर निर्यात तत्परता के मामले में भारत के तटीय राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब आप सब जानते हैं कि तटीय राज्यों का प्रदर्शन क्यों अच्छा रहा होगा, क्योंकि जो जल के राह से जो निर्यात और आयात के कार्य हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं, तो इसके कारण तटीय राज्यों का जो प्रदर्शन था वो सबसे अच्छा था। और वो राज्य जो तटीय नहीं हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का था, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान, त्रिपुरा को दूसरा और हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में भारत के 70% निर्यात में 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का वर्चस्व मौजूद है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि निर्यात अनुकूलन और तत्परता केवल समृद्ध राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे भी कई राज्य हैं जो उतने अधिक समृद्ध तो नहीं हैं परंतु उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय आरंभ किए हैं। भारत में निर्यात, कई विशेषज्ञ निर्यात को आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से एक मानते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि पारंपरिक आयात प्रतिस्थापन की नीति से अधिक निर्यात उन्मुख नीति देश के उच्च और निरंतर आर्थिक विकास में अधिक भूमिका अदा करती है। उदाहरण के लिए जापान जैसे 1960 ईस्वी में दशक में निर्यात उन्मुख नीति का अनुसरण जापान ने किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप उसका व्यापार निर्यात 16.9% की दर और 1970 में लगभग 21% की दर से बढ़ा था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति वृद्धि करनी है तो निर्यात में बढ़ोतरी करनी होगी। बीते कुछ वर्षों में भारत के व्यापारिक निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्यात की स्थिति लगभग 275.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि 2017-18 में ये 303.5 बिलियन डॉलर थी और 2018-19 में ये 331.0 बिलियन डॉलर तक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि कोरोना यानी COVID-19 महामारी के दौरान भारत समेत विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। निर्यात पर COVID-19 का प्रभाव देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए हैं। कोरोना काल ने विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन का कार्य लगभग बंद हो गया था, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर निर्यात काफ़ी अधिक प्रभावित भी हुआ है। अकटाड यानी कि UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा किया गया एक अध्ययन दर्शाता है कि महामारी काल के दौरान वैश्विक स्तर पर निर्यात में कुल 50 बिलियन डॉलर की कमी आई है। आंकड़ों की माने तो वायरस के प्रभाव स्वरूप अप्रैल 2020 में भारत के निर्यात में 60% की कमी आई है। निर्यात संवर्धन को प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निर्यात संवर्धन को मुख्य तौर पर 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्यात अवसंरचनाओं में अंतर क्षेत्रीय विषमताएं, राज्यों के बीच निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न अनुसंधान एवं विकास अवसंरचनाएं। सुझाव देखते हैं। रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई चुनौती का सामना करने के लिए प्रमुख कार्यनीतियों पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें निर्यात अवसंरचना का संयुक्त विकास, उद्योग शिक्षा क्षेत्र के बीच संपन्न का सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक कूटनीति के लिए राज्य स्तरीय भागीदारी में बढ़ोतरी।
आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने हेतु हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि EPI करने के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2019 में नीति आयोग के समक्ष आया था। प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक EPI उन सभी कारकों का आकलन करता है जो किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्यात प्रदर्शन को निर्धारित करने में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादक को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है। निर्यात तत्परता सूचकांक के 4 स्तंभ हैं, नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र एवं निर्यात निष्पादन शामिल है। इसके अलावा इन सभी स्तंभों में कुछ न कुछ अन्य स्तंभ जिन्हें उप स्तंभ कहते हैं वो भी शामिल हैं। तो आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।